इस दुनिया में तरह तरह के किस्से कारनाम सुनने को मिलते रहते हैं। लोग अलग अलग रीति रिवाजों से शादी ब्याह और जन्मदिन मनाते नजर आते हैं, लेकिन अब इंसानों के साथ ही जानवरों के जन्मदिन मनाने का चलन भी बढ़ गया। पशु प्रेमी अलग अंदाज में अपने पालतू जानवरों का जन्मदिन मना रहे हैं। पशु प्रेमी और खासतौर पर गौ प्रेम से जुड़ा एक किस्सा राजस्थान से के सीकर जिले से पाटोदा गांव का सामने आया। नवलगढ़ में मुरार का परिवार ने गौ प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करते हुए गाय की बछड़ी के साथ कृष्णा मुरारका ने जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आदेश दादी परिवार महिला इकाई नवलगढ़ कृष्णा मुरारका एवं सदस्य बिंदु पाटोदिया, ललिता शर्मा, संगीता शर्मा, नीरू वर्मा, पूनम पाटोदिया, राधा कृष्ण गौशाला पाटोदा पहुँचे। राधा कृष्ण गौशाला पहुंचने पर गौशाला कमेटी अध्यक्ष राम गोपाल चौमाल, विनोद कुमार शर्मा, सूरजन सिंह शेखावत, राजकुमार शर्मा एवं गौपालक ने नवलगढ़ मुरारका परिवार का जोरदार स्वागत सत्कार किया। अध्यक्ष राम गोपाल चौमाल एवं गौ सेवक ने ढेर सारी शुभकामनाएं एवं गौ माता का आशीर्वाद आपका यूं ही बना रहे। धन धान की गौ माता अपार भंडार भरे। गौशाला कमेटी ने अतिथियों का माल्यार्पण पढ़कर दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कृष्णा मुरारका ने गौ माता को गुड़ एवं लपसी का भोग लगाया। गौ माता के संग कृष्णा मुरारका ने जन्मदिन का केक काटा। गौशाला में हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण किया। नाथ जी आश्रम मीरण जाकर मंत्र ओंकार नाथ महाराज एवं साधु संतों से आशीर्वाद लिया। जय गौ माता जय गोपाल। आज हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में आज नवलगढ़ निवासी श्रीमती कृष्णा मुरारका धर्मपत्नी श्री देवीदत्त जी मुरारका यहाँ गौशाला में पधारे और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौ माता के लिए लापसी का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने गुड़ खिलाया एवं गौशाला में गौशाला साथियों के साथ उन्होंने केक भी काटा और सभी को आशीर्वाद दिया। गौ माता से आशीर्वाद लिया। हम इनके दीर्घायु की कामना करते हैं। गौ माता इनको दीर्घायु करे, इनकी यश कीर्ति धन धान्य बढ़ाए और ऐसे ही गौशाला से जुड़े रहें। इनके साथ ही इन्होंने घोषणा की है कि भाई मैं एक शेड में गौशाला में इंटरलॉक की व्यवस्था कर दूँगी गौ माता के लिए। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता इनके उत्तरोत्तर वृद्धि करे। जय गो माता जय गोपाल। वृक्षारोपण भी इन्होंने एक बिल पत्र का वृक्ष भी गौशाला में रोपण किया। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।